Hi students, let us talk something about Australia. GPE या GST. आजकल सबसे ज्यादा confusing जो है Australia की GPE जिसको बोला जाता है या latest GST जिसको बोला गया, जिसमें आपके 4 से 5 question आते हैं। अब GPE कैसे आपकी clear होगी? उसके लिए you should be very careful if you want to opt for Australia. जीटी के लिए वो ही बच्चे एलिजिबल हैं जिनका हर चीज इट्स वेरी क्लियर इनकम साइड्स। सबसे पहले हम बात लेते हैं इनकम की, क्योंकि सब बच्चे का एकेडमिक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इनकम आईटीआर आपने फिल नहीं की है। अगर आपकी आईटीआर लास्ट 2 ईयर्स की प्रॉपर टाइम पे फिल है और आपकी इनकम कंबाइंड इनकम पेरेंट्स की या स्पॉन्सर की मिला के 12 to 15 लाख है तो यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट करती है। अब इसके बाद जो है आपके फंडिंग, अगर आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, एमएसएमई रजिस्टर्ड है, पुराना है, नया ना बनाओ, जब से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बिजनेस में तो उनका एमएसएमई पुराना होना चाहिए, करंट अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं, आपके फंडिंग जो है 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए, और कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज 3 मंथ ओल्ड का भी प्रूफ मांग सकते हैं। अगर आपके सडन आए, मान लीजिए आपको 35 लाख चाहिए, 3 मंथ पहले फिक्स डिपॉजिट्स बनाए हैं, तो कहाँ से आए इतना पैसा? लैंड सेल की है तो वी डू हैव अ प्रूफ। लैंड सेल का पेपर आप वन डे ओल्ड भी चलाएंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रूफ है वो कोई प्रॉपर्टी या लैंड से ही है, लेकिन वो आपका ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपके जे फॉर्म्स होने चाहिए, जो कि पूरी एंट्रीज इनकी मैच होनी चाहिए जो जहां से भी आपकी आ रही है, और आपका जो है तहसीलदार ने इनकम प्रूफ आपको दिया। सर्विस वाले जो है उनका जो है फॉर्म 16 एंड इनकम टैक्स लेटर, अगर दोनों पेरेंट्स जॉब में हैं तो उनका केस बहुत क्लियर होता है, पर उन्होंने छोटी छोटी सेविंग टाइम के साथ की है, दैट इज वेरी क्लियर केस, तो इनकी जीटी में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो फिर देखना पड़ता है कि आपका वजह क्या थी, कमी क्यों रह गई। सेकंड, आपके एकेडमिक भी जीटी का एक पार्ट है, क्योंकि जीटी सब पे होनी है, आपके फाइनेंशियल पे होनी है, आपका एकेडमिक, क्योंकि एकेडमिक के बेस पे आपका ऑफर लेटर आना है, तो वो भी आपका 65% मिनिमम मानते हैं प्लस टू वालों का, और ग्रेजुएशन वालों का यूनिवर्सिटी हमारे सेक्शन के हिसाब से होती है, सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सेक्शन 2 में या सेक्शन 3। सेक्शन 1 में पढ़े हैं तो आपका 55% चाहिए, सेक्शन 2 में पढ़े हैं तो 60%, और सेक्शन 3 में पढ़े तो 65% चाहिए। अब ये हो गया हमारा सारा जीटी के डॉक्यूमेंट्स। अगर हमारी जीटी क्लियर है तो यूनिवर्सिटी से आपको अधिकतर इंटरव्यू आता है, और इंटरव्यू में वो ही जीटी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले व्हाई यू ऑप्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, why this university, who's funding your studies, and last में maximum जो होता है आपका कि ये course करके जो सबसे ज्यादा emphasis है वो है ये course करके आप future में क्या करने वाले हो, आपकी research कितनी अच्छी है। इस question का हर student को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो देखते हैं कि बच्चे की research कितनी है, किसी और क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कमी होगी तो चल जाएगा, बट लेकिन रिसर्च के क्वेश्चन में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कि ये कोर्स आपने अगर चूज किया है तो इसमें ये चूज करने का क्या मकसद है, इसको करने के बाद आप कितनी इनकम ले सकते हो, कौन कौन सी कंपनियों में या कौन कौन सी कंट्रीज में जॉब अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन
please share with your friends as well, and we will come with new information in next week. Thank you so much.